गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर इंजीनियर सिद्धांत कुमार। आज से हम पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री। क्लास सेवन में हमें मिडाइवल हिस्ट्री पढ़नी है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मिडाइवल हिस्ट्री का मतलब होता है मध्यकालीन भारत, है ना। तो मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड है वो है 600 AD से लेकर 1100 AD। तो ये आपको एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें आपको एक दर्शाया गया है एक राजा को और इनके साथ साथ इनके सारे सिपाही और प्रजा हैं। तो जो मिडाइवल हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है उसमें राजाओं की कहानी मेनली है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, फिर हम पढ़ेंगे मुगल पीरियड और फिर फाइनली हम मुगल पीरियड का अंत देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ और भी सारे वंश थे जो कि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के साथ भी जन्मे थे, जैसे गुर्जर, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, चोला किंगडम साउथ में। धीरे धीरे हम आगे देखेंगे, है ना। तो इसी सिलसिलेवार तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या हुआ? मिडाइवल हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पालाज और प्रतिहाराज के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके ओके, तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू मिडाइवल इंडिया। सो मिडाइवल इंडिया कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू थ्री पार्ट्स। तीन पार्ट में मिडाइवल इंडिया को बांटा जाता है। फर्स्ट अर्ली मिडाइवल इंडिया, सेकेंड दिल्ली सल्तनत एंड थर्ड मुगल। तो अर्ली मिडाइवल इंडिया का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? 8th से 12th century AD। फिर दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? 12th century से 16th century AD। और मुगल टाइम पीरियड का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक है? 16th से 18th century AD। तो अब मैं 16th century AD बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1600 AD, ठीक है। तो सबसे पहले अर्ली मिडाइवल इंडिया, फिर दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल्स। वाई 8th सेंचुरी इज कंसिडर्ड एज अ टर्निंग पॉइंट? 8th century AD को टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है? मतलब ऐसा क्या था कि वहीं से हम माने कि यहाँ से एंशंट पीरियड खत्म हुआ और यहाँ से मध्यकालीन भारत यानी कि मिडाइवल इंडिया चालू हुआ? क्यों? इट इज बिकॉज अ न्यू फेज इन द इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी वॉज इमर्जिंग। इसका मतलब ये है कि 8th century के बाद से नई अर्थव्यवस्था, नई पॉलिटिक्स और नए समाज का निर्माण होना चालू हुआ। तो इसीलिए वहाँ पे हम एंशंट इंडिया को खत्म करते हैं और मिडाइवल इंडिया की वहाँ से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम अर्ली मिडाइवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, 8th से 12th century AD, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। मतलब तीन साम्राज्यों के बीच में युद्ध होता था। किसके लिए? एक कन्नौज जगह है उत्तर प्रदेश में, उसको पाने के लिए तीन साम्राज्य में युद्ध होता था, जिसका नाम था प्रतिहाराज, पालाज और राष्ट्रकूटास। हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे कि ये कौन से वंश हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको, है ना। द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल describes the period between the 8th century and 10th century which witnessed a struggle for the resources of the rich Gangetic Doab and town of Kannauj। मतलब कन्नौज और गंगा के लिए ये तीनों ने लड़ना चालू किया, क्योंकि कन्नौज एक इतना स्ट्रेटेजिक पॉइंट था कि अगर उसको कोई भी साम्राज्य जीत जाता तो उसको अपना साम्राज्य और बढ़ाने में बहुत मदद मिलती। अब कोई भी राजा तो यही चाहेगा ना कि उसको सबसे अच्छा से अच्छा शहर मिले। जैसे अभी भारत में सबसे अच्छे शहर कौन है? मुंबई, दिल्ली, मुंबई, फिर चेन्नई, बेंगलोर। तो ये सब जो जगह है इनको अगर कोई राजा हथिया ले तो वो उस पर राज बहुत अच्छे से कर सकता है, पूरे भारत पे राज कर सकता है। तो उस समय का सबसे अच्छा जो शहर था और सबसे साम्राज्यवादी, सबसे सुनहरा शहर था वो था कन्नौज। तो कन्नौज को हथियाने के लिए ये सभी राजा, ये सभी एम्पायर जो कि द थ्री किंगडम्स इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रगल वेयर द पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल, बंगाल के पाना डायनेस्टी, द प्रतिहारा डायनेस्टी ऑफ गुजरात एंड द राष्ट्रकूटास इन द साउथ। तो ये तीनों युद्ध कर रहे थे। ओके, सो ऑल दीज रूलर्स इमर्ज ऑलमोस्ट टुगेदर एंड वैनिश्ड एट द सेम टाइम। मतलब ये तीनों रूलर ने एक साथ ही लड़ाई की और जब इनका पतन का समय आया तो ये सब एक साथ ही पतन भी हो गए थे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? अब चलते हैं आगे, इसको डिलीट कर लेते हैं, है ना। ओके, तो आप ये देख सकते हैं इस फिगर में, इस फिगर में मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। देखो, ये है पालास जो कि बंगाल के पास है, यह है गुर्जर प्रतिहारा जो कि राजस्थान और गुजरात के एरिया में कवर कर रहे हैं, और लास्टली है राष्ट्रकूटास जो कि साउथ में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पालास, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटास, और लड़ाई किसके लिए हो रही थी? कन्नौज के लिए। ये देखो, ये है कन्नौज, है ना। तो कभी राष्ट्रकूटास और पालास में लड़ाई हो जाती थी, कभी प्रतिहाराज और पालास में लड़ाई हो जाती थी, और कभी प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटास में। ये कन्नौज जो शहर है, जो कि आप देख सकते हो जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इसके लिए लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, तो मैप से आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, को डिलीट करते हैं और बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। तो
सबसे पहले हम पढ़ेंगे पालाज एंड प्रतिहाराज के बारे में। तो सबसे पहले पालाज मैंने आपको दिखाया, वो कौन सा शहर की तरफ था, बंगाल एंड बिहार की तरफ। तो अब पढ़ते हैं, मैंने इसको पॉइंट वाइज तरीके से आपके लिए नोट्स बना के रख दिए हैं, आप इसको जब भी आप वीडियो देखोगे तो आप इस वीडियो को पॉज कर लेना और यही आपका नोट्स हो जाएगा, आपने डायरेक्ट यही उतारना है। फिर आपको घर जाके बुक की भी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मैं आपको एक ओवरऑल समरी बता दूंगा पूरे चैप्टर्स की, फिर आपको जब पूरा वीडियो देख लोगे तो फिर आपको घर जाके पढ़ना भी है। तो सबसे पहले मैं पालाज जो कि बंगाल एंड बिहार में थे उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले द फर्स्ट किंग ऑफ पालाज वॉज गोपाला, गोपाला जो थे वो पाला के पहले किंग थे। उनका जो कैपिटल था वो था गडूरा, गडूरा कहाँ है, नॉर्थ बंगाल में। और इसके दो महान रूलर थे जिनको आपको नाम याद रखना है, पहले है धर्मपाल और दूसरा है देवपाल, ठीक है। तो दो महान रूलर थे पाला किंगडम के, एक थे धर्मपाल और दूसरे थे देवपाल। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, धर्मपाल ने जो था वो एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि भागलपुर में उस टाइम की बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी उसको फाउंड किया था। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बताई बनाई थी और वही साथ में मोनेस्ट्री जो है यूनिवर्सिटी में भी बदल गई थी, ठीक है। तो पहले जो किंगडम, पहले जो राजा बहुत महान थे उन्होंने, पहले राजा महान जो कि धर्मपाल थे पाला डायनेस्टी के, उन्होंने विक्रमशिला मोनेस्ट्री बनाई थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इन देवपाल्स पीरियड एम्पायर एक्सपेंडेड फ्रॉम बंगाल टू पंजाब, मतलब देवपाल ने सिर्फ बंगाल तक ही अपने राज्य को सीमित नहीं रखा, फिर वो और भी अपने साम्राज्य का विस्तार बात करके वो पंजाब तक अपने किंगडम को फैला दिए थे, है ना। तो पालाज वेर द पैट्रोन ऑफ बुद्धिज्म। अब पाला जो थे वो बेसिकली हिंदू धर्म नहीं फॉलो करते थे, हिंदू धर्म के प्रति उन वो हिंदू धर्म को भी बढ़ावा देते थे, लेकिन वो जो फॉलो करते थे वो बौद्ध धर्म फॉलो करते थे। एंड देन दे सेंट मॉन्क्स टू तिब्बत, और वो अपने किंगडम के मॉन्क्स को तिब्बत भी भेजते थे कि जाओ बुद्ध धर्म का प्रचार करो, ठीक है। तो पालाज ऑल्सो पैट्रोनाइज वेरियस आर्ट स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। तो जब आप आर्ट एंड कल्चर बड़े हो जाओगे तो एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की, जब आप यूपीएससी की तैयारी वगैरह करोगे तो उसमें आर्ट एंड कल्चर में आप ये देखोगे कि पालाज ने कितने अच्छे ढंग से आर्ट कल्चर और बहुत बहुत चीज़ों की इंडिया के कल्चर को बढ़ावा दिया, है ना। तो हमने पाला किंगडम पढ़ लिया, तो आपको पाला किंगडम इतना ही जानना था, दो मेन रूलर थे धर्मपाल और देवपाल, धर्मपाल ने विक्रमशिला बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई और देवपाल ने अपना किंगडम एक्सपेंड किया बंगाल से पंजाब तक। पाला जो है वो बुद्धिज्म को फैलाते थे और उन्होंने आर्ट स्कल्पचर और पेंटिंग्स को भी बढ़ावा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम प्रतिहाराज के बारे में। तो प्रतिहाराज का जो मीनिंग है हिंदी में उसको बोलते हैं प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर मतलब रक्षा करने वाला। तो दे वेर कॉल्ड गुर्जर्स बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन फ्रॉम गुजरात। तो अब उनका दो नाम है, देखिए मतलब उनके नामों में दो शब्द है, एक है गुर्जर और एक है प्रतिहारा। गुर्जर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो गुजरात से थे और प्रतिहाराज इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उनको प्रोटेक्टर बोला जाता था। सो प्रतिहाराज क्लेम टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ लक्ष्मण। प्रतिहाराज जो थे वो राम जी लक्ष्मण जी हमने पढ़ा है ना, तो लक्ष्मण के वंश को अपने आप को बताते थे कि हम लक्ष्मण के वंश से आए, ठीक है। तो इनके तीन, जैसे पालाज में हमने दो महान रूलर के बारे में पढ़ा था धर्मपाल और देवपाल, तो गुर्जर प्रतिहाराज में दो मेन किंग्स थे इस डायनेस्टी के, इनफैक्ट तीन किंग थे, वो थे नागभट्ट वन, नागभट्ट टू और मिहिर भोज, ठीक है। तो तीन किंग थे नागभट्ट वन, नागभट्ट टू और मिहिर भोज। तो लास्ट टू वेयर द ग्रेट किंग्स विद कैपिटल एट जोधपुर। इन्होंने अपना कैपिटल जोधपुर रखा था। दे ऑल्सो कंट्रोल्ड कन्नौज। अब कन्नौज के लिए तो लड़ाई होती रहती है, तो कन्नौज के लिए क्या होता, कभी पालाज कन्नौज को कैपिटल कैप्चर कर लेते थे, कभी प्रतिहाराज कैप्चर कर लेते थे और कभी राष्ट्रकूटाज कैप्चर कर लेते थे। और कन्नौज हमने पढ़ाई, कन्नौज जो है गंगा और यमुना के दुआब के पास, दुआब मतलब जहाँ गंगा और यमुना मिलती है उसके आसपास ही कहीं कन्नौज एरिया। कन्नौज आरबी है, कन्नौज से आज भी आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश की है उनका गढ़ है अभी कन्नौज, और ये उत्तर प्रदेश में है कन्नौज। तो उस समय कन्नौज का भी बहुत महत्व था और आज भी बहुत महत्व। तो अब लास्ट जो पॉइंट है प्रतिहारास किंगडम के बारे में वो हम पढ़ते हैं। राजशेखर द फेमस कोर्टियर ऑफ धर्मपाल वॉज संस्कृत पोएट। एक बहुत ही फेमस पोएट थे राजशेखर, वो धर्मपाल के ही राज्य में एज अ कोर्टियर मतलब कि उनके ही दरबार में काम करते थे। चलिए अब हमारा पालाज खत्म हो गया और प्रतिहाराज खत्म हो गया, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये था पाला किंगडम, देखिए आपको मैप से मैं समझा रहा हूँ, मैप में आपको क्या बोला था कि पाला जो डायनेस्टी थी वो बेसिकली बंगाल में थी। तो ये जो आपको ये दिख रहा है ये पूरा एरिया ये बंगाल एरिया है, ठीक है। और फिर जो पाला के अगले राजा आए थे उन्होंने क्या किया था, ये बंगाल से फैला कर इसको पंजाब तक एक्सटेंड करवा दिया था, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिहारा किंगडम में मैंने एक राजा का नाम लिया था जिसका नाम था मिहिर भोज।
तो अगर आप भोपाल के बड़े लेक के पास गए होगे तो ये मिहिर भोज का देखिए यही यही मूर्ति लगी हुई है। तो ये जो राजा हैं, ये जो हम प्रतिहारा एम्पायर के मिहिर भोज राजा के बारे में पढ़ रहे हैं वो यही राजा हैं, ठीक है। और फिर अगर आप भोजपुर टेम्पल भी जाते हो तो उनको भी इसी ने इन्हीं ने बनाया है, जिनका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है भोज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे हिस्ट्री को अगर रिलेट करके हम पढ़ेंगे तो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाती है। हिस्ट्री बिल्कुल भी बोरिंग टॉपिक नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को हमको रटना नहीं है, हिस्ट्री को समझना है। तो अगर हम समझेंगे तो हिस्ट्री बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक हो जाती है। चलिए, अगर आज का हमारा आखिरी लेसन है, इस लेसन में आखिरी जो टॉपिक है वो है राष्ट्रकूटास। हमने पालास पढ़ लिया, प्रतिहारास पढ़ लिया, अब हम राष्ट्रकूटास पढ़ते हैं। सो राष्ट्रकूटास देवर द रूलर ऑफ महाराष्ट्र विद कैपिटल एट मानकेद। अब राष्ट्रकूटास जो थे वो महाराष्ट्र के रूलर थे और उनका कैपिटल जो है मानकेद, मानकेद आज भी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इनके इंपॉर्टेंट किंग्स का नाम था ध्रुव और गोविंदा थर्ड। ध्रुव जो थे वो पहले साउथ इंडियन किंग थे जो कि नॉर्थ तक आए थे और उन्होंने एक नॉर्थ इंडियन किंग को भी डिफेंड हरा दिया था। मतलब ये पहले एक साउथ साउथ मतलब दक्षिण के राजा थे जो उत्तर तक पहुंचे थे और उत्तर के एक राजा को भी हरा दिया था। फिर इनके जो रूलर थे गोविंदा थर्ड, उन्होंने नाग भट्ट ऑफ प्रतिहारा, जो हम पढ़ रहे थे ना ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, पालास प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा में लड़ाई होती रहती थी, तो गोविंदा थर्ड ने नाग भट्ट सेकेंड ऑफ प्रतिहारास को भी हराया था एंड एस्टैब्लिश्ड कन्नौज एंड एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर कन्नौज एंड गंगा दुआब। और उन्होंने कन्नौज और गंगा दुआब के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। ही बिल्ट एलोरा केव्स, और एलोरा केव्स जो है वो गोविंदा थर्ड ने ही बनाया था। गोविंदा थर्ड का ही नाम कृष्णा भी है, ठीक है, तो कृष्णा और गोविंदा में आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एलोरा केव्स आर एसोसिएटेड विथ थ्री रिलीजन्स। अब ऐसा आप मत सोचिएगा कि एलोरा केव्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म के लिए है या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। एलोरा केव्स जो था वो तीन रिलीजन के को दर्शाता था, पहला हिंदुज्म, सेकंड बुद्धिज्म और थर्ड जैनिज्म। मतलब इस तीनों धर्म के वहाँ पर मूर्तियाँ और उनके भगवान की मूर्तियाँ वगैरह मिलती हैं। लेकिन अजंता केव्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म को ही डिनोटेड है। मतलब अजंता केव्स में सिर्फ बुद्ध बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ मिलती है या बौद्ध धर्म से रिलेटेड मूर्तियाँ मिलती है, लेकिन जो एलोरा केव्स है वहाँ पे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैनिज्म धर्म, तीनों धर्म की मूर्तियाँ मिलती हैं। और एलोरा केव्स में ही कृष्णा वन ने एक और बनाया था टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है, जिसको बोलते हैं कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि मैंने आगे पिक्चर में दिखाई है, आप देख सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। और वो कैलाशनाथ टेम्पल को बिल्कुल भी कैलाश पर्वत की तरह बनाया गया था ताकि उसमें से कैलाश पर्वत जैसा व्यू दिखे, इसलिए नाम उसका रखा कैलाशनाथ टेम्पल के। पारसीज केम टू इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब राष्ट्रकूटा जब रूल कर रहे थे उसी समय पारसी इंडिया में आए थे, ठीक है, एंड पारसीज वेयर परसिक्यूटेड बाई मुस्लिम। अब जब ईरान में उनका परसिक्यूशन, मतलब ईरान में पारसीज जो लोग थे तो उनको मुस्लिम लोग बहुत ही मार रहे थे, मतलब जान से मार रहे थे, क्योंकि वहाँ पे धर्म फैलाने का युद्ध चल रहा था, तो मुस्लिम लोग भगा रहे थे पारसीज को। तो उसी समय जब राष्ट्रकूटा रूल कर रहे थे तभी पारसी इंडिया में आए थे और पारसियों को भारत ने शरण दी थी। तो राष्ट्रकूटास एम्पायर ने भी शरण दी, अगर बोल सकते, क्योंकि राष्ट्र उस टाइम जो साउथ का किंगडम है वहाँ पे अपना राष्ट्रकूटास ही रूल कर रहे थे, तो पारसी को राष्ट्रकूटा ने रहने की जगह दी थी। आगे बढ़ते हैं, तो राष्ट्रकूटा आप ये देख सकते हो, यही है कैलाशनाथ टेम्पल जो कि मैंने बताया था, जो कि कृष्णा जो कि एक रूलर थे राष्ट्रकूटास के, उन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो आज का लेसन हमारा यही खत्म होता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले मिडाइवल इंडिया का टाइम पीरियड देखा, फिर हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल देखा कि क्या होता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, जहाँ पे पालास प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास लड़ते थे। फिर हमने पालास और पहले पालास के बारे में पढ़े जो कि बंगाल में रूल करते थे, फिर हमने प्रतिहारा के बारे में पढ़ा जो कि राजस्थान और गुजरात साइड में रूल करते थे, और फिर हमने लास्टली राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ा जो कि साउथ इंडिया में रूल करते थे। तो आज का मैं लेसन यही समाप्त करता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे राजपूत किंगडम के बारे में, ठीक है। तो आज हमारा मिडाइवल इंडिया का पहला लेसन कंप्लीट हुआ जिसमें हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल खत्म किया, ठीक है दोस्तों, बाय, अगले वीडियो में मिलता हूँ, ओके बाय।